के ड्रोन फ्लाइंग स्मार्टफोन के बारे में जिसमें कैमरा क्वालिटी ठूस ठूस के भरी है। अगर आप भी बाबू सोना के अच्छे अच्छे फोटो चाहते हैं मेरी तरह तो आप भी थोड़ा रुक जाइए, वीवो के अपकमिंग फोन का इंतजार कर लीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो ड्रोन फ्लाइंग स्मार्टफोन की। आज हम बताएंगे इसकी कीमत, स्पेसिफिकेशन और कब तक आने वाला है। ये ड्रोन का उड़न खटोला बनाएगा भैया, बाबू सोना की गली में घूमने का चक्कर छोड़ दो, वहाँ जाओगे तो फूट दिए जाओगे। अभी स्मार्टफोन ला रहा है वीवो आप लोगों की भावनाओं को समझ कर। वीवो ड्रोन फ्लाइंग कैमरा जिसमें आप अपने घर में बैठ के अपने बाबू सोना को देख सकते हैं कि बाबू मेरे क्या कर रही है, बाबू खाना खाई नहीं खाई है, किसी और के साथ गप्पे उड़ा रही है। तो दोस्तों भारतीय बाजार में वीवो का अपकमिंग फोन वीवो ड्रोन फ्लाइंग स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जिसकी अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन जल्द होने वाली है, बस इंतजार कर लीजिएगा। इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा क्वालिटी के साथ दमदार बैटरी दी गई है। अभी बात करेंगे इसकी कीमत और क्या स्पेसिफिकेशन की। आप ड्रोन का मजा अपने मोबाइल में उठाना चाहते हैं तो आपके लिए एक स्मार्ट शानदार अच्छा सा बाजार में फोन तहलका मचाने के लिए तैयार है। अच्छे कैमरे की तलाश सभी व्यक्तियों को रहती है, जैसे मुझको है अपने बाप की फोटो खींचने के लिए, आपको भी होगी ना। और ऐसा ही मोबाइल खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको दमदार कैमरा क्वालिटी और फीचर्स भी मिले। आपको इस समस्या का समाधान देने के लिए वीवो का शानदार फ्लाइंग ड्रोन मोबाइल बाजार में तहलका मचाने के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं वीवो ड्रोन फ्लाइंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और कीमत के बारे में। पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। भैया वीडियो हमको एक 4K वाला चाहिए। अच्छा दोस्तों इसमें कंपनी 6.7 इंच की डिस्प्ले दे रहा है और दावा है कि इस वीडियो में आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। भैया डिस्प्ले तो हो गई, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसके अलावा और क्या बच्चा अभी बताते हैं, सवाल करो। आपको वीवो ड्रोन फ्लाइंग मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा जैसे कि सब में होता है वही प्रोसेसर की बात करें तो कंपनी का कहना है कि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर लगाया गया है जिससे आप दमदार मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। पबजी खेलो भैया, सैमर चीमर 2 लाओ सीमा। अगर स्टोरेज की बात करें ना भैया तो ठूस ठूस के स्टोरेज दिया गया है। रैचिक फोन चले इसलिए 16 GB रैम लगाई गई है, 128 GB इसका बेस इंटरनल स्टोरेज है। इसमें एक्सटर्नल स्टोरेज लगा सकते हैं अगर बाबू सोना के ज्यादा फोटो वीडियो रखनी है मेरी तरह। बैटरी भैया ड्रोन है तो बैटरी भी अच्छी होनी चाहिए ना वीडियो। बैटरी 5000 mAh की मिल जाएगी इसमें। इसके अलावा भैया जल्दी चार्जिंग हो जाए इसलिए 120 W की फास्ट चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है कंपनी। और ब्लूटूथ वाईफाई तो वैसे ही देगी यार, सब देते हैं। अगर इसकी कैमरा क्वालिटी की बात करें तो रैचिक है भैया रैचिक। एक एक बाल देख लोगे बाबू का, मेकअप के बाद ही ओरिजिनल वाली फीलिंग ले पाओगे। हाँ अगर मेकअप नहीं है तो मोबाइल से हो जाएगा। वीवो ड्रोन फ्लाइंग मोबाइल में आपको 200 MP का ड्रोन कैमरा मोबाइल के अंदर देगा। इसके अलावा मोबाइल की बात ही रहा है भैया तो पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें 50 MP का मुख्य कैमरा, इसके अलावा 13 MP का टेलीफोटो लेंस, फोटो के लिए भैया 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस लगाया गया है। वहीं सेल्फी फोटो लेने के लिए बताया जा रहा है कि 16 MP का सेल्फी लेंस मिलेगा। भैया कैमरा धांसू है, इंतजार कर लो थोड़े दिन और। अगर कीमत की बात करें भैया ना तो कंपनी दावा कर रही है कि हम भारतीय बाजार में 30,000 का उपलब्ध कराएंगे, लेकिन मुझे भैया विश्वास नहीं है आपको है। 30,000 में ड्रोन कौन देता है, है? मिल जाएगा नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी दावा कर रही है तो भैया इंतजार तो कर ही रहे हैं। कर लो आप भी यार, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बाबू सोना के लिए ज्यादा पैसे तो सभी खर्च करते हैं, हम लोग भी कर लेंगे क्यों है? वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर कर देना भाई, छोटा बच्चा समझ के।